नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टीचर फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोगों को दिखाएंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट की मैथ को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले दोस्तों, आप सब लोगों के पास मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, इंटरेस्ट को हम दोनों पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा पार्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट को हमें कैसे निकालना होगा वो हम आगे के वीडियो में दिखाया है। तो फ्रेंड, मेरा कहना है कि आप सब लोगों में से जो भी अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, तो मेरा कहना है आप जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक पे, वो है इंटरेस्ट की सेकंड पार्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोगों को जानना होगा कि व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज व्हेन ए बैंक पेज इंटरेस्ट ऑन बोथ द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट एंड अकाउंट हैज ऑलरेडी अर्नड। तो यहाँ पर बोला है कि जब एक बैंक इंटरेस्ट पे करते हैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों के ऊपर, और उस अमाउंट को आप अपनी बैंक अकाउंट पे अर्न करते हो, उसको कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए देखते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 6250 रुपीज एट 8% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो यहाँ पर समझे कि आपकी बैंक अकाउंट पे 6250 रुपीस है, बैंक उसमें 8% रेट की इंटरेस्ट देती है। तो 2 ईयर्स के बाद आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगी, ये हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर पहले आप सब लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना होगा, वो है a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। तो यहाँ पर a इक्वल टू अमाउंट जो हमें निकालना होगा, P equal to principal, तो यहाँ पर principal है 6250 rupees, R equal to rate of interest, तो यहाँ पर rate है 8%, और N equal to number of years, तो यहाँ पर 2 years। तो अब हमें just इस formula को complete करना है। तो P है 6250, 1 plus R है 8, n है 2 years। तो 6250 या बार 100 को एलसीएम करना होगा, इसलिए 100 से इस 1 को मल्टीप्लाई करना होगा, तो आंसर आएगी 100। फिर 100 से 100 को डिवाइड करना होगा, तो आंसर आएगी 1। इस 1 से 8 को मल्टीप्लाई करना होगा, तो आंसर आएगी 8 to the power 2। यहाँ पर 100 के साथ 8 को ऐड करके आंसर आएगी 108 by 100 whole square। तो 6250 into यहाँ पर square है, तो हमें 108 को दो बार और 100 को भी दो बार मल्टीप्लाई करना होगा। फिर हमें ऊपर की 6250 into 108 को दोबारा मल्टीप्लाई करके आंसर आएगी 729000। और नीचे की ये दोनों 100 को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगी 4 0 के साथ इस 40 को काट देना होगा, और आपका आंसर आएगी 7290। ये हो गई आपकी अमाउंट। फिर हमें यहाँ पर बोला है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के लिए हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला सीखना होगा, वो है आपके टोटल अमाउंट के साथ इस प्रिंसिपल को सब्स्ट्रैक्ट करना होगा, टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट है 7290, उसके साथ आपको इस प्रिंसिपल को 600250 को सब्स्ट्रैक्ट करना होगा, तो आंसर आएगी 1040। तो ये 1040 हो गई कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे ऐसे कुछ मैथ की ट्रिक्स लेकर। सो प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट।